आज हम एक ऐसी मेंटल इलनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर इंसान बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इस तरह की बीमारी का नाम है पीडोफिलिया। ऐसे लोग उन बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं जो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, जो नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है। पीडोफिलिक पर्सनैलिटी वाले लोग अपनी एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर को छोटे छोटे बच्चों के साथ में पूरा करते हैं, और इन डिजायर को पूरा करने के लिए वो बहुत एक्सट्रीम और डेंजरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इस तरह की मेंटल इलनेस वाले लोग छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, और साथ ही साथ उनको पोर्नोग्राफी के लिए भी फोर्स करते हैं। ऐसे लोग कहीं और नहीं, हमारे ही आसपास पाए जाते हैं, हमारे ही अड़ोस पड़ोस में पाए जाते हैं। ये लोग कोई पार्क में बैठे हुए 70 साल के अंकल हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों में से कोई भी चाचा, मामा, फूफा, दादा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, दूर की मौसी का लड़का, दूर के मामा का लड़का, कोई भी हो सकता है। आपके घर से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर हो सकता है। अच्छा, ये लोग अपना ऑक्यूपेशन भी उसी तरह का चूज करते हैं जिसमें ये बच्चों के आसपास रह सकें। ये लोग स्कूल बस के ड्राइवर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, या आपको ड्राइविंग सिखाने वाले भैया हो सकते हैं। अच्छा, अब हमें समझना ये है कि बच्चे कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा टच सही है और कौन सा टच बुरा। कैसे हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं? इसके लिए हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना होगा, ताकि कल वो आपको कह सकें कि ये अंकल गंदे हैं, ये मुझे बैड टच करते हैं। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके ही घर का कोई फैमिली मेंबर या आपके ही आस पड़ोस का आदमी आपके बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज कर जाएगा। आपके घर में जब छोटे बच्चे फोन में पबजी खेल रहे हों या कोई भी गेम खेल रहे हों, तब थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप उनको गुड टच और बैड टच के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। Who knows her leaned forward and whispered some encouragement, telling her that she was doing great, that she looked. मैं 9 साल की थी। घर में वो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स लाते थे। मेरे अंकल मुझे गोद में बिठाकर प्यार करते थे। और अकेले में बाथरूम के अंदर फिर गोद में बिठाते थे। प्यार करती थी। चीखती थी मैं, मगर वो मेरा मुंह बंद कर देती, ऐसे मुंह बंद कर देते थे ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। बहुत दर्द हो जाता। बस 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 हो गया। मेरी गुड़िया बेस्ट लड़की है तू दुनिया की, सबसे ब्यूटीफुल। फिर आते थे, बार बार आते थे, अंदर चीखती थी मैं, किसी से कहना नहीं, ठीक है? एक दिन मैंने मम्मी को बोल दिया, बताया उन्हें, मम्मी ने कहा किसी से कहना नहीं, ठीक है?